रीना बिहार से हमारे साथ, स्वागत है रीना आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। जी मेरा भी आदाब, आपको कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दया से। सर मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था थोड़ा सा। जी 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 उनको थोड़ा डायबिटीज है, तो डायबिटीज तो उनका तो कंट्रोल में नहीं रहता है, और दूसरा उनकी सेहत ना बहुत कमजोर हो गए, मतलब हाथ पाँव इतने पतले पतले हो गए हैं, पैर इतने पतले हो गए हैं, मतलब अजीब टाइप का, पहले बहुत हेल्दी थे वो। और दूसरा मेरे चिन चिन से ना काफी सारे बाल हो गए, छोटे छोटे बाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत सारे। ठीक, तो कोई घरेलू नुस्खा कुछ हो तो? देखिए आपके हस्बैंड के लिए आप फिक्रमंद हैं, ये अच्छी बात है। और डायबिटिक आदमी अंदर से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज एक दीमक है जो जिस्म में लग जाती है। सब लोग डायबिटीज़ की दवा खाए जाते हैं, जब डायबिटीज़ बढ़ती है तो फिर और उसकी पोटेंसी बढ़ा जाती है। ऐसा नहीं करना, डायबिटीज़ को एक कंट्रोल में रखना और दवा भी लिमिटेड खाना है। और अगर वो दवा जो खाते हैं उसके साथ आप यूनानी दवा भी लेने लगें तो फिर उनको बहुत फ़ायदा होगा, सेहत भी अच्छी होने लगेगी। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर आप दिया करें उनको। तो हस्बैंड की तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए कि उनकी शुगर कंट्रोल होने लगेगी। और उनको कहें कि 1 घंटा पैदल चलें धूप में और 5 बार गर्म पानी पिए तो आखिरी सांस तक सेहत की उनको आएगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। और स्किन पर जो आपने प्रॉब्लम बताई उसके लिए आप देखिए धनिया सौंफ अलसी और गौन मोरिंगा, ये 3 चीज़ें पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना है पानी के साथ, तो आपकी ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को अब आप संभाल के रखना चाहते हैं और ऐसे कीमती उपचार आप जानना चाहते हैं जो आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं, या बस आप लोगों को संपर्क साधना है नंबर्स पे जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स दर्शकों 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं देश भर में और ये एक ब्रांडेड कंपनी है। और अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स के फाउंडर, रिसर्चर और प्रमोटर की, तो आप सभी जानते हैं अतिया हर्ब्स के फाउंडर, रिसर्चर और प्रमोटर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जिन्हें हकीम अजमल खान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर आप लोग रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, देसी नुस्खे जानना चाहते हैं इतने छोटे छोटे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को जुड़ना है हमसे सीधा। हकीम साहब आप सभी के हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुलेखा है झारखंड से, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी आदाब। सर जी 15 दिन से तबीयत खराब है, तो पहले अचानक से पेट में दर्द हुआ, तो उस टाइम दर्द खूब ज्यादा हो गया था और उल्टी भी हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाए तो बोला था टाइफाइड मिले की थोड़ा सा था टाइफाइड, तो उसके लिए परहेज किए और उसके बाद फिर पेट दर्द वैसा ही रहा, पेट दर्द का ठीक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहाँ उसमें किडनी में स्टोन निकला। ठीक है। तो स्टोन निकला तो उसमें 7.5 का है स्टोन बायां साइड की किडनी में। ठीक है ठीक है। तो उसके लिए दवाई भी दिया, तो दवाई आज लगभग 15 दिन हो गया है। फिर आज सुबह से ही मेरा सर पूरा एकदम चक्कर मार रहा है, पूरा घूम रहा है और खूब उल्टी भी हुआ सुबह से। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए किडनी स्टोन कितना भी बड़ा हो वो निकलना मुमकिन है। और एक मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। देखिए एक ये फुलवारी जो बेचते हैं, ये लोग बेचते हैं, एक पेड़ है और वो है पत्थर चट्टा। एक पेड़ है जो जिसका पत्ता ज़रा सा मोटा होता है, मामूली सा खट्टा होता है। पत्थर चट्टा आप दो
या तीन पत्ते तोड़िए, एक गमला ही खरीद लीजिए, 150 रुपये का आ जाएगा, और उसको एक नींबू के पानी में पीसिए और आधा चम्मच इसमें खसखस मिला लें, जो आपके किचन में होती है ना खसखस, और आधा चम्मच वो भी मिला लें, पीसे और एक नींबू पानी मिला के इसे आप पिए दिन में 2 मरतबा, और पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। दर्द की गोली अपने साथ रखें, जब भी दर्द हो गोली खा लें, दर्द शुरू होते ही खा लें, दर्द का इंतज़ार न करें कि वो बढ़ जाए। और अगर ये आप 15 दिन महीना लगातार करते हैं, जो दवा खाना चाहें वो खा भी सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूर लीजिए, तो कितना भी पत्थर बड़ा हो, छोटा छोटा हो के, रेजा रेजा हो के निकलना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं ललिता कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है ललिता आपका। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। जी आदाब। नमस्ते। जी बताइए। सर हमारे को घुटने में कोई प्रॉब्लम है, पहले थोड़ा सा चलते थे, व्यस्तल नहीं चल रहे, उसमें थोड़ा बीपी आ गया और थोड़ा शुगर भी अटक हो गए थे। बताइए, शरीर बहुत दर्द होता, बहुत बोले तो बहुत दर्द होता। ठीक है, देखिए शरीर दर्द के लिए मैं दवा बता देता हूँ और बाकी दवाएं आप लेती रहें, जब शरीर का दर्द चला जाए तो और भी दवाएं पूछ लेना, और दूसरे मर्ज में भी फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले शरीर दर्द का इलाज करें, बीपी वगैरह की सबकी आप दवा लेते रहिए। और देखिए धनिया, सौंठ, अलसी और गौंदसिया, ये 4 चीज़ें लीजिए, यानी काला गौंद आता है एक, वो सब रॉ मटेरियल लेना, कोई भी पिसावा मत लें, घर में इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, यानी एक बड़े कैप्सूल की बराबर आप खाइए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है। इनके लिए कोई दवाई हो सकती है हकीम साहब? हाँ, अगर दवा बतौर लेना चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर आप सुबह शाम खाएंगे तो भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है मनीराम दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी बोलिए, प्रश्न कीजिए। मैं हकीम सुलेमान जी से बात करना चाहता हूँ मैडम। जी जी आदाब जनाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी हकीम साहब, मेरे को है ना, पहले मेरे को हार्ट ब्लॉकेज थी, और क्या कहते हैं मेरे को, मेरी उम्र है 44 साल। ठीक है ठीक है। और खून गाढ़ा होने लग गया था, मेरे पैर उल्टे पैर के नस है ना वो सारे वो चमड़ी पे जम गया खून, काला हो गया पिंडले के नीचे। ठीक है जी, आगे बोलिए। उसके लिए कुछ अगर इलाज हो? अच्छा देखिए, इसके लिए एक बड़ा अच्छा इलाज है, और मैं एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार बताता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र के लोगों को, मेरी उम्र के लोगों को ये रोग होता ही है, चाहे पता चले या नहीं पता चले, होता यह है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, और रातों रात आदमी ख़त्म हो जाता है, रात को अच्छे से सोता है, सुबह को उठता ही नहीं है, पता चला डेथ हो गई। तो जो भी 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, 40 साल के, उनको ये नुस्खा, अगर वो नॉर्मल भी हैं तो लेना चाहिए, नींबू का रस और अदरक का रस, लहसुन का रस आधा आधा लीटर या एक एक लीटर का बनाइए, एक एक लीटर बनाएंगे तो बहुत अच्छा, सबका एक एक लीटर निकालिए जूस, और एक जो सिरका आता है जैतून का सिरका, इसमें 1 लीटर मिला दीजिए, और ये 4 लीटर जो मैंने आपको मटेरियल बताया, ये ख़त्म होने से पहले आपकी परेशानी का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है मुन्ना अग्रवाल जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका मुन्ना। हाँ साहब। जी बोलिए। नमस्कार साहब। जी आदाब मुन्ना भाई। मैं जयपुर से बोल रहा था, मेरी एज है 72। मेरे को इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज्यादा परेशानी है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बड़ा खास नुस्खा हर उस शख्स को जिसको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, कब्ज, बवासीर या और भी बहुत से रोग, इन्फेक्शन, हाइड्रोसिल,
बहुत आसान है और आपके घर में सब चीज़ें, शायद एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ेगी, सौंठ धनिया, ये 100-100 ग्राम ले लें, सौंफ सौंठ धनिया अलसी और कलौंजी का एस्टेक आता है, कलौंजी का नमक भी बोलते हैं इसको, कलौंजी का एस्टेक भी बोलते हैं, 100-100 ग्राम ये सब लीजिए और घर में पाउडर बनाइए और एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम खाइए आप, क्योंकि आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और उम्र दराज लोगों को ये परेशानी होती है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिस दिन से आप इसको इस्तेमाल शुरू करेंगे उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है और चंद हफ्तों या महीनों में आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, एक समय था जब इंसान को इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन एक दौर अब ये चल पड़ा है कि बड़े हों बुज़ुर्ग हों बच्चे हों सभी एक लाइन में हैं, तो हम इसको वक्त की लापरवाही कहेंगे? हाँ देखिए, कुछ तो हमसे चूक हो रही है जी। मैं अक्सर महिलाओं से मेरी एक शिकायत रहती है कि घर में जो आप खाना बनाते हैं तो वो घर के पिसे मसालों का बनाया करें। मेरी शिकायत रहती है सभी लोगों से कि घर का खाना जब मौजूद है तो हम बाहर के खाने क्यों खाते हैं? माँ से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता, बीवी से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता जो सेहत के लिए अच्छा हो। मैं जायके की बात नहीं कर रहा, जायका तो सारा नमक मिर्च और खटाई में है, लेकिन घर के पिसे हुए मसालों को अगर खाना मिलता है तो आदमी बड़ा खुश नसीब है। और इसके बावजूद अगर कोई बाहर का खाना खाता है तो मैं उसे बदनसीब मानता हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ जी, बात करवाइए मैम। जी आपको सुन रहे हैं हकीम साहब, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सहारनपुर से बात कर रहे हैं। सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। हेलो, बताइए बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सहारनपुर से बात कर रहे हैं। तो बाल झड़ने की समस्या से परेशान है मैम। कहे से? बाल झड़ते। क्या एज है जिनके बाल झड़ रहे हैं? हेलो, कितनी उम्र है बाल झड़ने वाले मरीज की? बाल मेरे 27 साल। 23 साल। अच्छा 23 साल। देखिए, एक एक रोज़ाना नारियल पानी पीजिए और उसमें आधा ग्राम गौंद मोरिंगा का ले लीजिए, उसका पाउडर मिला के रोज़ पिया करिए। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बालों की समस्या है या स्किन की प्रॉब्लम है और सेहत की प्रॉब्लम है, वो अगर चंद हफ्ते ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, जितने भी आप यहाँ पर रॉ मटेरियल बताते हैं हकीम साहब, कई लोगों को ये मिल नहीं पाते हैं और फिर वो ढूंढते रह जाते हैं, असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या आपकी कंपनी से भी ये रॉ मटेरियल ले सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि नकली असली का, अगर असली मिल जाए तो फ़ायदा लाजिम है। और हमारे पास भी इतना नहीं होता, हमसे शिकायत होती है लोगों की कि टाइम लग गया, क्योंकि हमारे पास से आपको टाइम लग सकता है। अक्सर हमसे शिकायत रहती है कि हम दे नहीं पाते, लेकिन हम चाहे 10-15 दिन आपसे मांग लें, लेकिन जब भी आप तक रॉ मटेरियल पहुँचेगा वो असली ही पहुँचेगा, बाकी आप जिम्मेदार हैं। जहाँ से आप चाहें, जहाँ से भरोसे का हो वहाँ से ले सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए असली चीज़ मिलना। बिल्कुल हकीम साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। गोपी राज हैं जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्र है 20 साल और मेरे चश्मा लगा हुआ है -4 का, दूर का, तो अब मैं ये, और मेरे चश्मा पिछले 8 सालों से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई उपाय है कि मतलब ये चश्मा हट ही सकता हो या फिर कम हो सकता हो नंबर, क्या इसका कुछ तरीका है क्या? ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, जब तक आपको गाजर मिलती है, एक गिलास
रोज़ाना गाजर का जूस पीना है आपको, और रोज़ पीना है, एक गिलास तो पीना ही पीना है, आप इसे लिया करें। और फिर आप जो आपने पॉइंट बताया आपने चश्मे का नंबर, तो 2-3 महीने में आप फिर टेस्ट कराना। मुझे उम्मीद है कि आपको खुशी होगी कि आपका कुछ फ़ायदा शुरू हो गया। लंबा इलाज है लेकिन फ़ायदा मुमकिन है।